हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वेज मुगलई पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स और पनीर की स्टफिंग होती है और बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है और एक चम्मच तेल डाला है और नमक है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये बेकिंग पाउडर है आधा चम्मच डाला है मैंने। इससे अच्छा फूलेगा और क्रिस्पी बनेगा। और वेजिटेबल्स में एक शिमला मिर्च है, इसकी बारीक कटिंग कर ली है। एक आलू बॉइल्ड है, इसको भी चॉप कर लिया है। एक प्याज है बारीक कटिंग वाला, और अदरक और हरी मिर्च की कटिंग है। गाजर की कटिंग है, ग्रेट करी हुई है गाजर, और ये पत्ता गोभी और पनीर है, पनीर बीच में है ये वाला। तो इन सब की स्टफिंग हम करके वेज मुगलई पराठा बनाएंगे। एक चम्मच तेल डाला है मैंने, और तेल गरम होने लगा है। अब हम इसके अंदर पहले स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैं जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इसके बाद मैं ये हरी मिर्च और अदरक की बारीक कटिंग है। एकदम धीरे गैस पे हमको भूनना है। सिम कर दिए गैस मैंने, और एक प्याज की कटिंग है, इसको भी बारीक कटिंग है, और इसको भी धीरे धीरे गैस पे भुनेंगे। और अगर आपको लगे कढ़ाई गर्म हो गई है तेज, तो आप गैस बंद कर सकते हैं, क्योंकि धीरे गैस पे भुनना है। ये पत्ता गोभी डाल दिए मैंने, बारीक कटिंग है, और ये इसको हिलाना है। मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि धीरे धीरे गैस भी थोड़ी तेज लगती है, कभी कभी कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो जाती है। और इसके अंदर मैं गाजर की ग्रेट करी हुई है, गाजर कटिंग नहीं करी है मैंने, इसको चॉप नहीं करा है, ग्रेट करा है। और ये शिमला मिर्च भी डाल दी है, तो शिमला मिर्च और गाजर और प्याज की कटिंग डाल दी है मैंने। पत्ता गोभी भी डाल दी, और एक आलू मैश करा हुआ है, हाथ से ही मैश कर लिया था, उबला हुआ आलू है, इसको भी डाल दिया। और इन सब वेजिटेबल्स को हम मिक्स करेंगे। करीब 2 मिनट तक हमें फ्राई करना है, इसको भूनना है, रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो वो पानी छोड़ देता है, सारे वेजिटेबल्स पानी छोड़ देते हैं। ये हल्दी डाल दी है मैंने, और ये मिर्च डाल दी है। ये मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे फ्रेंड्स। नमक भी डाल दिया है, और इसके बाद मैं थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल रही हूँ, आधा चम्मच के करीब डाला है मैंने। और ये आधा चम्मच ही मैंने अमचूर डाल दिए, और इसको इस तरह से भून लेंगे। और ये पनीर है, पनीर भी ग्रेट करा हुआ है, ये भी डाल दिया, और बस 2 मिनट तक, 1.5-2 मिनट तक भूनेंगे और गैस बंद कर देंगे। और ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के लिए रख दिया है थाली में। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा, अब जब ठंडा हो जाता है तब धनिया डालेंगे। अब ये मिक्सर को हम अलग रख देंगे। ये डो हमारा बन गया था, करीब 15-20 मिनट के लिए रख दिया था मैंने,
और अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब प्रेस करके बता रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा इसको गून लेंगे। और इसकी मैं बराबर दो लोई बना रही हूँ, स्लैब के ऊपर ही बना रही हूँ। और ये गर्मा गर्म पराठा आप सर्व कीजिए डायरेक्ट, और टिफ़िन में भी डाल सकते हैं। ये दो लोई मैंने बराबर बना लिए और अब हम इसको बेलेंगे। और अगर आप मैदा नहीं लेना चाहते हैं तो आटा और मैदा आधा आधा ले सकते हैं। अब हम सूखा आटा लगा के इसको बेलेंगे। ये 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था मैंने डो, तो देखिए कितना अच्छा रोटी बन रही है। स्टफिंग के लिए डो अच्छा सेट हो गया है। और इसकी थिकनेस रोटी की देख लीजिए, इतनी थिक होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, एकदम पतली भी नहीं होनी चाहिए। और ये स्टफिंग है वेजिटेबल, अब स्टफ़ करेंगे हम। इसको चौकोर शेप में थोड़ा सा सेट कर देंगे और इसको इस तरह से चौकोर करके और फोल्ड करेंगे। ये स्लरी बनाई हुई है मैंने, मैदा और पानी आधा आधा है, एक एक चम्मच, और ये स्लरी बन गई है। इसको हम इस तरह से चिपका देंगे, जब फोल्ड करेंगे तो फोल्डिंग हमारी खुलेगी नहीं। पहले मैं एक तरफ से इस तरह से टर्न करती हूँ हाफ, और फिर ये स्लरी लगा लेंगे मैदे की, और फिर दूसरी तरफ से भी टर्न कर देंगे। एकदम हल्के हाथ से प्रेस करना है। और स्टफिंग रख के और ये ऊपर नीचे भी हम स्लरी लगा के इस तरह से मैदे का पेस्ट लगा के इसको चिपका देंगे धीरे से। ऐसे चिपका देंगे हल्के हाथ से। इस तरह से प्रेस कर दिया है हल्का हल्का। और इसे मैं एक प्लेट में देखिए उल्टा करके इस तरह से डाल देती हूँ, ताकि स्टफिंग जो हमने बंद करी है वो नीचे की साइड रहे। और इसी तरह से दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। इसको भी हल्का सा प्रेस करके बंद कर दिया मैंने। और ये पैन रख दिया है मैंने, तवा रख दिया है, उसके ऊपर तेल डाल दिया है। पहले तेज गरम करके और फिर गैस मीडियम कर देंगे। और ये धीरे से ये नीचे वाला पोर्शन नीचे ही इस तरह से रखेंगे जहाँ पे हमने बंद किया था स्टफिंग को, और इस तरह से तवे पे डाल दिया। और फिर से तेल लगा के तवे पे, और जो दूसरा पराठा हमने बनाया था ये भी हम इसी तरह से इसको डाल देंगे। जो बंद किया हुआ पार्ट नीचे रहेगा, और इसको ब्राउन स्पॉट आने तक हम सेकेंगे। गैस मीडियम कर दी है। ये देखिए कितना अच्छे ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। दोनों पराठे इस तरह से दोनों तरफ बार बार पलट के सेक लेंगे। बहुत अच्छे पराठे बने हैं, वेज मुगलई पराठा तैयार है फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा सिका है, एकदम क्रिस्पी करारा बना है। और इसको ऐसे कट करके सर्व किया जाता है, और इसको दही चटनी के साथ सर्व करेंगे आप, चाहे मीठी हो चाहे हरी चटनी हो, कोई भी चटनी, और टमाटो केचप के साथ भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है वेज मुगलई पराठा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।